नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेबर का औद्योगिक सिद्धांत। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में देखेंगे। ये विश्व भूगोल की श्रृंखला का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले समय में हम क्रिस्टोलर का सिद्धांत, वान थिवेन का सिद्धांत, इन सब सिद्धांतों के बारे में आपको बताएंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए और कुछ भी आप इससे रिलेटेड गलत ना करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं कि आप इसको समझ ना सके। तो वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, आखिर इनका सिद्धांत क्या कहता है कि मतलब उद्योगों की स्थिति कहाँ पर होनी चाहिए, मतलब कच्ची लागत को लेकर के, और इस चीज़ को लेकर के इन्होंने बताया था श्रम की लागत और परिवहन लागत को लेकर के कि आखिर उद्योग की स्थापना आखिर कहाँ पर की जानी चाहिए, उद्योग कहाँ पर, उसी को लेकर के उन्होंने बताया। ये जर्मन अर्थशास्त्री थे, इनका सिद्धांत था 1909 में इन्होंने दिया था। इनकी पुस्तक थी, मतलब ये जर्मन थे तो इनकी पुस्तक का नाम भी जर्मनी में ही है, अर्बन डेन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रियन इनकी पुस्तक का नाम है। तो अबर डेन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रीज तो इनकी पुस्तक का नाम है। अब इनके सिद्धांत की कुछ मान्यताएं देख लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। दरअसल बता दूं कि सिद्धांत काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप इसको अच्छे समझ लेंगे तो आप इसको बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं जो ना समझ में आ सके आपको, और उन्हीं उन्हीं इस सिद्धांत के वही वही टॉपिक के बारे में बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है और आपको उनको जानना चाहिए। तो ये काफ़ी आसान सा सिद्धांत है, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से इसको समझ सकेंगे। आप इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं कि हाँ, ये बात जो बताई जा रही है इनके द्वारा, ये कितनी सही है या कितनी गलत है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये देखते हैं, मान्यताओं की बात करेंगे। मतलब कि जब मान लीजिए कोई आपको कोई उद्योग वगैरह अगर जो स्थापित किया जाता है तो क्या होता है, कच्ची सामग्री स्रोत के विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मतलब कच्ची सामग्री स्रोत, मतलब जब मान लीजिए कोई इंडस्ट्री वगैरह आप स्थापित कर रहे हैं तो उस इंडस्ट्री के लिए, उद्योग के लिए कच्ची सामग्री आपको कहाँ से मिलेगी, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उपभोग स्थानों के विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, मतलब जब आप कच्चे माल से, जब आप उसको, जब एक तरीके से कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल से जब आप उत्पाद बनाएंगे तो फिर आखिर उससे, उस उत्पाद का उपभोग कहाँ होगा, आपको बाजार के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर उसका उपभोग स्थानों के विषय में जानकारी आपको होनी चाहिए। मतलब कि मान लीजिए जैसे विषुवत रेखीय क्षेत्र में है और आप वहाँ पर कुछ ऐसा, आप मतलब मान लीजिए गर्मी के कपड़े, आप ऐसे कपड़े वहाँ पर बेचना शुरू कर दीजिए जो अंटार्कटिका के क्षेत्र में पहने जाते हों, तो क्या वो कपड़े बिकेंगे? नहीं बिकेंगे। वैसे उसी तरीके से जिस तरह आप जाएंगे तो अंटार्कटिका के क्षेत्र में ऐसे कपड़े आप, मतलब कि शॉर्ट्स वगैरह या कुछ ऐसे कपड़े वगैरह वहाँ पर बेचना शुरू कर दीजिए जो विषुवत रेखीय क्षेत्रों के लिए सही है, वहाँ के लिए नहीं सही। मतलब बहुत से ऐसे प्रोडक्ट आपको या इस तरीके के उत्पाद आप बनाए जो वहाँ के जलवायु को लेकर के, वहाँ के लोगों के डिमांड के ऊपर सही बैठे, ताकि आप उनका उपभोग कर सके और आपका उद्योग वगैरह अच्छा चल सके। इसके बारे में तो अगर हम इसके आगे की बात करेंगे तो हम देखेंगे अर्थव्यवस्था स्वतंत्र बाजार पर आधारित है और बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति है तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति विद्यमान है। आपको इसको भी लेना है कि अपने जो आपका प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में क्या स्पर्धा है, आप अगर मार्केट में क्या प्रतिस्पर्धा है, और प्रतिस्पर्धा के दौर में आप ऐसा तो है नहीं कि आप जो कुछ भी बना देंगे, आप सामने वाला भी तो प्रोडक्ट आ रहा है ना उससे रिलेटेड, तो आपको प्रोडक्ट जो है वो अच्छे ही बनाने हैं। और श्रम सर्वत्र उपलब्ध नहीं होता है बल्कि निश्चित प्रदेशों में उपलब्ध होता है, मतलब कि श्रम जो होता है वो निश्चित प्रदेशों में ही आपको देखने को मिलेगा, हर जगह पर श्रम आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ पॉकेट्स में आपको श्रम की उपलब्धता आपको देखने को मिलेगा, निश्चित क्षेत्रों में आपको श्रम उपलब्ध में देखने को मिलेगा। मतलब आप उद्योग लगा रहे हैं तो आप ये भी देख लीजिए कि आपका जो उद्योग लगाएंगे उसको लेकर के जो श्रम है तो वो उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है, आपको ये भी ध्यान देना रहेगा। कच्चे माल या निर्मित माल का परिवहन व्यय, मतलब कच्चा माल या निर्मित माल का परिवहन व्यय केवल भार एवं दूरी के अनुपात में बढ़ता है। वो आप भी जानते हैं कि अगर जो दूरी ज़्यादा बढ़ेगी तब भी आपका जो परिवहन लागत है वो बढ़ेगा, और भार ज़्यादा होगा तब भी परिवहन लागत बढ़ेगा। अब जैसे मान लीजिए आप किसी सामान को, आप मान लीजिए अकेले आप जा रहे हैं कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 100 किलोमीटर जाना है, तो मान लीजिए उसका किराया 100 रुपये है, और 200 किलोमीटर जाना है तो उसका किराया हो सकता है आपको उसका 200 रुपये लगेगा। लेकिन मान लीजिए आपको जाना है 100 किलोमीटर, लेकिन आपके साथ में 100 किलो का और सामान आपके साथ है, तो आपको हो सकता है कि 200 किलोमीटर की जितनी दूरी में आप अकेले जा सकते थे, सामान के साथ हो सकता है आप 100 किलोमीटर ही जा सकें, आपको उसका ज़्यादा किराया वगैरह देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यही है कि कच्चे माल या निर्मित माल का परिवहन व्यय केवल भार एवं दूरी के अनुपात में बढ़ता है, जितना भार या दूरी जितनी बढ़ेगी उतना ही हो जाएगा। अब एक ट्रक जा रहा है, ट्रक में अगर जो या आप, अगर थोड़ा सामान होगा तो हो सकता है आप पिकअप कर लेंगे, ज़्यादा सामान होगा ट्रक कर लेंगे, तो दोनों की दूरी समान होगी, लेकिन क्या होगा कि भार की वजह से
लागत बढ़ जाएगी। अब सिद्धांत की व्याख्या की हम बात करेंगे तो उद्योग के स्थानीयकरण मतलब उद्योग की स्थापना को लेकर के उसे परिवहन लागत, श्रम लागत और एकत्रीकरण लाभ का निर्धारण करते हैं। मतलब कि परिवहन लागत, श्रम लागत और उसके एकत्रीकरण समूहन को लेकर के आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि परिवहन लागत और श्रम लागत और एकीकरण इनको लेकर के श्रम लागत कितनी, परिवहन लागत कितनी, उनका एकीकरण कैसे हो रहा है, वही उसका निर्धारण करते हैं। अब अगर जो कोई आप उद्योग की स्थापना कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम आपको एक लागत बिंदु निर्धारित करना पड़ेगा, मतलब परिवहन लागत बिंदु का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद में श्रम और एकीकरण की बात की जाती है, मतलब कि न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु, कोई ऐसा बिंदु वहाँ खोजा जाता है जहाँ पर परिवहन की लागत सबसे कम आ रही हो। तो परिवहन की लागत सबसे कम आ रही हो मतलब कि कोई किसी एरिया में एक ऐसा बिंदु खोजा जाएगा जिसकी परिवहन लागत जो होगी वो सबसे कम आ रही होगी उस क्षेत्र में। जब परिवहन लागत सबसे कम आएगी उसके बाद में श्रम को देखेंगे, फिर उसके बाद एकत्रीकरण को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले परिवहन लागत को देखा जाएगा। और परिवहन लागत में कैसा है, जहाँ पर न्यूनतम आ रहा हो, फिर न्यूनतम मजदूरी है, उसके बाद में एकत्रीकरण है, तो न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु। अब इसमें दो बातों की भी हम बात करेंगे, जैसे एक आइसोडोपेन है मतलब समान परिवहन लागत को प्रदर्शित करने वाली रेखा, भी हम आगे इसके बारे में बताएंगे। और न्यूनतम परिवहन लागत से हटकर उद्योग तब स्थापित होगा जब अतिरिक्त लागत की पूर्ति श्रम से हो जाए, आगे इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में तीन जो थे वो क्षेत्र बताए जाएंगे जिनके आधार पर हम पता करेंगे कि आखिर कहाँ पर उद्योग लगाना चाहिए, कहाँ पर उद्योग नहीं लगाना चाहिए। ये त्रिभुज मॉडल है, इसके बारे में देखेंगे जो इन्होंने वेबर ने दिया था, उसके बारे में देखेंगे कि आखिर उद्योग कहाँ पर लगाए जाने चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो ये त्रिभुज है, इसको आप मान लीजिए कि ये क्या है, ये बाजार है, ये ए क्या है, बाजार है, M1 M2 क्या है, कच्चे माल के दो स्रोत हैं, कच्चे माल के दो स्रोत हैं। अब इसके बारे में हम देखेंगे तो ए क्या है, बाजार है। अब बाजार के पास में उद्योग स्थापित होगा, मतलब कि उद्योग जो होगा वो बाजार के पास में स्थापित होगा। किस कंडीशन में, कंडीशन यही है कि यदि दोनों कच्चे माल सर्वत्र उपलब्ध हों, मतलब कि कच्चे माल जो है वो सर्वत्र मतलब कि इस जगह पे भी हो सकते हैं, यहाँ पर हर जगह पर सर्वत्र अगर जो उपलब्ध हैं तो वो क्या होगा, उद्योग बाजार में स्थापित होगा। याद रखिए कच्चे माल सर्वत्र उपलब्ध होंगे, M1 M2 को मैंने मान लिया कच्चा माल उपलब्ध है, तो क्या है कि ये उद्योग बाजार जो होगा बाजार के पास में उद्योग स्थापित किया जाएगा। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर जो कच्चा माल शुद्ध है वो भी, और यदि दोनों शुद्ध कच्चे माल सर्वत्र उपलब्ध नहीं है तो भी उद्योग बाजार में स्थापित होगा, बाजार में उद्योग स्थापित होगा। क्यों, यहाँ पर कच्चा माल और उद्योग बाजार में स्थापित होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों कच्चे माल जो हैं वो शुद्ध हैं, कच्चे माल क्या है, शुद्ध हैं तो इसमें जो परिवहन की लागत होगी वो एक तरीके से कम आएगी, इस वजह से इसको कच्चे माल के पास में यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। क्योंकि होता यही कि जो कच्चा माल जब अगर जो शुद्ध रूप से है, क्योंकि हम मान कर चलते हैं कि जब अशुद्ध कच्चा माल होता है इसमें 50% शुद्ध 50% अशुद्ध होता है, तो अगर जो मान लीजिए यहाँ पर हम कच्चा माल मान लेते हैं कि 1 टन है, यहाँ पर मैंने ले लिया 1 टन, इधर भी ले लिया 1 टन, मान लीजिए हमारे पास कितना हो गया, 2 टन कच्चा माल हो गया, 2 टन या 100 किलो 200 किलो आप अपने स्तर पर मान लेते हैं इस जगह पर और इस जगह पर। अगर जो दोनों अशुद्ध होते तब की बात मैं बता रहा हूँ, अगर जो दोनों अशुद्ध होते 1 टन ये हो गया, 1 टन ये हो गए 2 टन, 2 टन हो गए। अब इनको लेकर के जाएंगे यहाँ पर, अब ये 2 टन क्या कैसे हैं, अशुद्ध हैं, इनका 50% शुद्ध है 50% अशुद्ध है। अब ले जाने में जो लागत लगी, यहाँ पर शुद्ध कितना निकला, 1 टन, 1 टन शुद्ध निकलेगा, तब तो अगर जो आप लेकर के जाएंगे तब तो आपका नुकसान है, लेकिन अगर जो आप इन दोनों को कच्चा माल शुद्ध ही दोनों है तो यहाँ पर लेके जाएंगे तो 2 टन हो जाएगा, तो इसमें परिवहन लागत जो होगी वो कम आएगी। लेकिन अगर जो दोनों अशुद्ध होंगे उसकी कंडीशन में आपको आगे बताऊंगा, तो दोनों अगर जो शुद्ध होंगे तब तो उद्योग जो होगा वो बाजार में स्थापित होगा, लेकिन अगर जो दोनों शुद्ध नहीं होंगे फिर उसी कहानी आगे हम देखते हैं कि आखिर क्या होगा। अब इसमें इस त्रिभुज के आधार पर हम समझेंगे कि आखिर जो उद्योग होंगे वो कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे और कैसे स्थापित किए जाएंगे। हम मानकर चलते हैं कि जो परिवहन लागत है 1 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से है, उसके बारे में देखेंगे। और ये जो है ये क्या है, ये क्या है, ये है बाजार, ये क्या है बाजार, और जो ये वाला है ये भी अशुद्ध कच्चा माल है, ये भी अशुद्ध कच्चा माल का क्षेत्र है M1 M2। अब इसके बीच में मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये होता है त्रिभुज, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने एक ले लिया M, ये ले लिया M1, ये M2, ये हो गया A। अब इसमें जब देखेंगे तो ये दूरी मान लेते हैं 100 किलोमीटर है, ये भी दूरी 100 किलोमीटर है, ये भी दूरी 100 किलोमीटर है, तो इसकी लंबाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 87 हो जाएगी। और इसके बीच में जब ये वाली दूरी निकालेंगे इस तरीके से,
ये दूरी, तो ये कितनी आ जाएगी, 58 आ जाएगी, 58 ये भी आ जाएगी और 58 ये भी आ जाएगी। अब इसके आधार पर हम देखेंगे, मतलब कि अगर जो ये हो गया, अब इस तरीके से जब देखेंगे तो मतलब कि तीनों त्रिभुज, मतलब कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के जो बीच का जो बिंदु आपको दिख रहा है ये बी वाला सेंटर, यहाँ पर उद्योग स्थापित होगा। क्यों होगा, अभी हम बात करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर क्यों नहीं होगा इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो अगर जो हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ये दूरी क्या हो गई, मतलब कि M1 से M2 की दूरी कितनी हो गई, 100 किलोमीटर। M1 से A की दूरी कितनी होगी, 100 किलोमीटर। A से M2 की दूरी कितनी होगी, 100 किलोमीटर। उद्योग जो होगा वो उद्योग B पर स्थापित होगा, याद रखिएगा उद्योग कहाँ पर, B पर। अब B क्या है, B इसके मतलब कि इन तीनों बिंदुओं के बीच की ये जो ये बीच का एक क्षेत्र है उसको B माना गया है। तो M1 से अगर जो B की दूरी देखेंगे तो 58 किलोमीटर, A से B की दूरी देखेंगे तो भी 58 किलोमीटर, ए से सी की दूरी, मतलब कि अगर यहाँ के इस मध्यवर्ती बिंदु में देखेंगे, M1 और M2 के मध्यवर्ती बिंदु से एक सीधी लाइन खींची जाएगी तो इसकी दूरी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 87 किलोमीटर। तो 87 ये हो गई। अब 58 58 58 तीनों आप इनके बीच में अब देखते हैं, अब कहाँ पर उद्योग स्थापित किया जाए और कहाँ पर स्थापित नहीं किया जा सकता। ए पर मैंने बताया परिवहन लागत ज़्यादा आएगी, अगर जो ए पर करेंगे तो क्या होगा, अभी हम आगे उसकी बात करेंगे। पहले हम लेकर के चलते हैं M2 पर, अगर जो M2 पर परिवहन, M2 पर अगर जो उद्योग M2 पर लगाया जाए तो परिवहन लागत 200 रुपये आएगी। अब देखते हैं, मान लीजिए ये M2 पर उद्योग स्थापित कर दिया गया, M2 पर क्या जाएगा, तो यहाँ से जो लेकर के आएंगे, मतलब कि या अगर जो उद्योग यहाँ पर स्थापित है, उद्योग यहाँ पर स्थापित है, तो पहले M1 से यहाँ पर लेकर आएंगे M2 से, और M2 से फिर बाद में लेके आएंगे M2 A पर। तो 100 और 200, 200 किलोमीटर की यहाँ पर परिवहन लागत आपको देखने को मिलेगी, कहाँ पर, M2 पर। A की बात करेंगे क्योंकि दोनों अशुद्ध हैं, ठीक है। अब A की बात करेंगे, A में भी देखेंगे तो परिवहन लागत कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। A पर देखेंगे तो परिवहन लागत की बात करेंगे तो यहाँ से भी 100 किलोमीटर और यहाँ से भी वहाँ पर लाना पड़ेगा, तो इसकी भी दूरी 100 किलोमीटर, तो कितना हुआ, 200 किलोमीटर। इसके बाद हम बात करेंगे M1 की, तो M1 में भी कितना आएगा, 200 किलोमीटर, 100 इधर का और फिर आगे चल करके 100 इधर का, तो कितना हो गया, 200 किलोमीटर। अब बात करेंगे उद्योग अगर जो सी पर यहाँ पर लगाया जाए, इस जगह पर सी पर, तब क्या होगा, क्योंकि आगे अंत में तो बाजार में ही पहुँचाना है ना। तो देखते हैं परिवहन लागत, पहले तो यहाँ पर लेके आएंगे, M1 से कच्चा माल कहाँ पर आएगा, सी पर, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर। फिर M2 से भी तो कच्चा माल आएगा, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर। तो 50 50 100 हो गया, और जो ये दूरी थी वो कितनी थी, 87 किलोमीटर। तो यहाँ से ए तक लाने में कितना आ जाएगा बाकी आगे चल करके, तो 50 50 87 कितना हो गया, 187, मतलब कि 187 लागत आ जाएगी परिवहन लागत। अब अगर जो उद्योग यहाँ पर बीच में लगाया जाए, बी में लगाया जाए उद्योग, तब की स्थिति क्या होगी, तो अगर जो उद्योग बी पर लगाया जाएगा तब की स्थिति जब हम देखेंगे, तो आइए देखते हैं। पहले M1 की दूरी कितनी होगी, 58 किलोमीटर, M2 से दूरी बी की कितनी होगी, 58 किलोमीटर, और उसके बाद में बी से ए की दूरी भी कितनी, 58 किलोमीटर। 58 58 58 कितना हो गया, 174। अब 174 आ गया। अब हम बात भी मैंने यहाँ पर बताया था कि सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ पर सबसे न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु क्या है, तो न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु इस त्रिभुज में देखेंगे तो क्या है, बी है, क्योंकि अगर जो ए पर स्थापित करेंगे तो 200, M1 M2 पर भी 200, सी पर करेंगे तो 187, बी पर करेंगे तो 174। तो 174 क्या है, सबसे कम लागत बिंदु है। किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अगर जो उद्योग बी पर स्थापित होगा तो यहां पर, अब यहीं पर उद्योग स्थापित किया जाएगा, यही इन्होंने बात की। तो कि मतलब कि अगर जो दोनों अशुद्ध कच्चा माल है तो बाजार से दूर हट करके एक बी बिंदु पर यहां पर क्या होगा, उद्योग की स्थापना यहां पर की जाएगी, यही वेबर ने बताया था। औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत यही है वेबर का, और इसमें कुछ खास और कुछ नहीं है। अब इसमें हम बात करते हैं, अभी हम चूंकि ये जो पूरा सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूं ये किस पर आधारित है, ये आधारित है परिवहन लागत पर। लेकिन अगर जो परिवहन लागत मैंने 174 रुपये मैंने आपको यहाँ पर 174 बता दी है, अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी। मान लेते हैं हम कि कहीं पर हो सकता है कि कोई ए बिंदु है, ए बिंदु पर भी स्थापित हो सकता है अगर जो यहाँ पर, या ए बिंदु या कोई और बिंदु भी हो सकता है जहाँ पर अगर जो न्यूनतम परिवहन लागत से हटकर उद्योग स्थापित हो सकता है जब अतिरिक्त लागत की पूर्ति श्रम से हो जाए, मतलब कि हो सकता है कि वो 200 पर ही उद्योग स्थापित हो जाए, वहाँ पर जो जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पर देखेंगे तो 26 जो आ रहा है, एक्स्ट्रा जो लागत आ रही है 26 रुपये की,
अगर जो उसकी पूर्ति सस्ते मजदूरी से हो जाए, मतलब कि उसकी पूर्ति जो है श्रम से, उससे उसकी पूर्ति हो जाए, तब उद्योग यहीं पर स्थापित कर लीजिए। हो सकता है कि ए के पास में, ए के पास उद्योग लगाने पर वहाँ के श्रम की आपूर्ति बहुत आसानी से हो जाती हो, और जो परिवहन लागत में वे जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसकी हम भरपाई क्या कर सकते हैं, अगर जो हम मजदूरी से या श्रम से कर सकते हैं, तो वहाँ पर उद्योग स्थापित किया जा सकता है, यही उन्होंने बताया। और एक इसमें बात की गई आइसोडोपेन, समान परिवहन लागत को प्रदर्शित करने वाली रेखा को आइसोडोपेन कहते हैं, वेबर जी कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं आखिर ये होता क्या, समान परिवहन लागत की बात की जाए तो आखिर क्या है उसको हम बात करते हैं। आपको हम बेसिक बताएंगे कि ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाए। जैसे मान लेते हैं आप कहीं एक चौराहे पर खड़े हैं, ये एक चौराहा हो गया, यहाँ से इस तरीके से क्या हो रहे हैं, रास्ते जा रहे हैं, आप यहाँ पर कहीं खड़े हैं। अब हो सकता है कि यहाँ से 5 किलोमीटर, मतलब मान लेते हैं 1 किलोमीटर दूरी पर यहाँ का किराया कितना है, 10 रुपये ऑटो वाला ले रहा है। अब इस चौराहे से यहाँ पर भी किराया कितना है, 10 रुपये है, यहाँ पर भी किराया कितना है, 10 रुपये, यहाँ से किराया कितना है, 10 रुपये। मतलब इस चौराहे से आप इस तरफ जाइए, इस तरफ जाइए, इस तरफ जाइए, इस तरफ जाइए, या और भी कोई रास्ता गया है उतनी दूरी तक, जैसे लिखा नहीं होता है कि ऑटो का किराया प्रथम किलोमीटर तक 10 रुपये, मतलब कि अगर जो इस बिंदु से इस तरफ जाइए, इस तरफ जाइए, इस तरफ जाइए, इस तरफ जाइए, या इन बिंदुओं से यहाँ तक आइए, किराया कितना है, सेम है, मतलब कि परिवहन की लागत आपकी 10 रुपये ही आएगी। तो इनको आपस में मिला दीजिए, यहाँ से घुमाइए और इस तरीके से मिला दीजिए, जो रेखा बनी ना, ये जो गोलाकार रेखा बनी, इसी को बोला जाता है आइसोडोपेन, जो इन्होंने बताया कि वो आइसोडोपेन कहते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये मैंने गोलाकार आपको बना दिया है, हो सकता है कि आप जब कभी ऑटो में बैठते होंगे तो कहता होगा उधर नहीं जाएंगे, उधर इसलिए नहीं जाएंगे कि उधर उधर से वापस में हमको कोई सवारी नहीं मिलेगी, हम उधर से फिर ऐसे ही आएंगे। तो यहाँ पर जाने का किराया जो होगा वो हो सकता है कि थोड़ी दूरी का ही आपको 10 रुपये आपसे ले ले, तो जरूरी नहीं कि सर्किल बने, वो हो सकता है सर्किल कुछ ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बन सकता है, कि हो सकता है कहता नहीं कभी कोई कि नहीं उस तरफ नहीं जाएंगे, उस तरफ किराया महंगा है, या उस तरफ नहीं जाएंगे उधर हमको वापसी में सवारी नहीं मिलेगी, किराया वहाँ पर ज़्यादा लगता है। तो जरूरी नहीं कि वो किलोमीटर में ही हो, वो संसाधनों की दृष्टिगत रखते हुए भी किराया ऊपर नीचे हो सकता है, परिवहन की लागत में बदलाव हो सकता है, या हो सकता है कुछ वहाँ का टेरेन ऐसा हो सकता है कोई पहाड़ पर चढ़ना हो, तो समतल में आप 3 किलोमीटर की दूरी को पहाड़ से आप नहीं कैलकुलेट कर सकते ना, पहाड़ पर 3 किलोमीटर चढ़ना हो तो ऑटो वाले बोलेगा नहीं 20 रुपये लेंगे, समतल वो पे लेके जाएंगे तो 3 किलोमीटर बोलेगा 10 रुपये लेंगे, तो दोनों में क्या है कि अंतर है। तो कहने का मतलब, लेकिन जहां पर उस एरिया से, मतलब जहां पर परिवहन की लागत समान आ रही है, उसको एक मिला दीजिए उस रेखा से, सभी परिवहन लागतों को आपस में मिला दीजिए, उसे जो रेखा बनेगी उसी को बोला जाएगा आइसोडोपेन, तो इसको याद रखिएगा। अब इनके आलोचना की बात करते हैं, तो मुख्य रूप से आलोचना जो भी थी, ये अभी इनकी आलोचना होती कि इन्होंने जो था मुख्य रूप से परिवहन लागत पर फोकस किया, कच्चे माल के उत्पादकता पर भी इन्होंने फोकस नहीं किया, और इन्होंने जो था ये सब हर क्षेत्र को इन्होंने बिंदु मान करके चला है कि यहाँ पर लेगा ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कच्चा माल जो होता है उसकी जो पूर्ति होती है बृहद क्षेत्र में होती है, उसको आप एक बिंदु मान करके नहीं चल सकते। इन सब चीज़ों को लेकर के इनका क्रिटिसिज्म भी होता है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो वेबर का औद्योगिक सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। इनकी किताब का नाम याद रख लीजिए, 1909 में पुस्तक आई थी, जर्मन अर्थशास्त्री थे। कभी भी हो सकता है कि भौगोलिक चिंतन के इतिहास में आपसे पूछ लिया जाए कि वेबर कहाँ के थे, तो वेबर जर्मनी के निवासी थे, मतलब जर्मन शाखा से आप कह सकते हैं। बाकी पुस्तक का नाम 1909 में ये याद रखिएगा, बाकी सिद्धांत तो आप समझ ही गए, न्यूनतम परिवहन लागत को लेकर के इनका सिद्धांत था। तो एक तो कभी कभी मिलाने के लिए जाता कि औद्योगिक परिवहन सिद्धांत किसका था, तो औद्योगिक परिवहन सिद्धांत किसका था, वेबर का था, बस आप याद रखिएगा इतना ही। इसमें कौन कौन सी बातें कही गई वो मैंने आपको सब बता दिया, आप इनको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लेंगे तो समझने में आसानी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।